कभी कभी देखा होगा कि हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में या सोनोग्राफी सीटी स्कैन के रिपोर्ट में फैटी लीवर करके रिपोर्ट में दिया होता है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? हेलो, मैं डॉक्टर रौनक परा गजमेरा हूँ। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मतलब पेट के डिजीज़ का स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको फैटी लीवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये फैटी लीवर का क्या सिग्निफिकेंस है ये बताना चाहता हूँ। हमने कभी कभी देखा होगा कि हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में या सोनोग्राफी सीटी स्कैन के रिपोर्ट में फैटी लीवर करके रिपोर्ट में दिया होता है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? फैटी लीवर मतलब सिंपल वर्ड्स में लीवर में फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसको फैटी लीवर बोलते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये फैट ओवर मेनी ईयर्स 20-30 ईयर्स इन अराउंड 20% ऑफ द पेशेंट लीवर को धीरे धीरे डैमेज करके परमानेंट डैमेज कर सकता है। सो इसको हमें कैसे डील करना चाहिए? अगर किसी को फैटी लीवर कोई रिपोर्ट में आता है इंसिडेंटली, मैं इंसिडेंटली इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिजीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं इसके, तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम आता है सोनोग्राफी में लेट से, तो उसके लिए उसको उसके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए। तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, अल्कोहल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ फैटी लीवर। सो ये रिस्क फैक्टर्स अगर किसी में है और तो उसको स्क्रीन करके उसको प्रिवेंट करना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। ओबेसिटी और अल्कोहल है वो तो सेल्फ कंट्रोलेबल है, तो वो तो जरूर से किसी को कंट्रोल करना ही चाहिए। और बाकी जो मैंने चीज़ें बताई वो हमें ब्लड टेस्ट से पता चलती है, और ये ज़रूरी इसीलिए है जैसे मैंने बताया कि ये डिजीज़ को कंट्रोल करने से उसका प्रोग्रेशन रोका जा सकता है। लेट्स कंट्रोल अवर लाइफस्टाइल एंड डाइट टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ फैटी लीवर। थैंक यू।